नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर एटा से है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रविवार दोपहर को हेलीकॉप्टर से एटा पुलिस लाइन में पहुंचे, जहां भाजपा सांसद राजू भैया और एटा कासगंज के विधायकों ने डिप्टी सीएम का हेलीपैड पर पहुंचकर स्वागत किया। वहीं डिप्टी सीएम का काफिला सर्किट हाउस पहुंचा, जहां डिप्टी सीएम ने एटा कासगंज में चल रही 37 योजनाओं का 76,000 करोड़ रूपये की सौगात दी। दरअसल रविवार दोपहर को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एटा पहुंचे, वहीं एटा कासगंज चल रही महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा, एटा आगरा मार्ग का जल्द ही चौड़ीकरण किया जाएगा, वहीं एटा जनपद की सड़कों को भी जल्द ही गड्ढा मुक्त किया जाएगा। जहरीली शराब पर बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, प्रदेश में जहां भी जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, उन सबकी गहराई से जांच हो रही है। शराब माफियों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट। योजनाओं का देखिए, सबसे पहले तो मैं एटा जनपद के निवासी हूँ। आज मुझे लगा कि कुछ सौगात जो उनका अधिकार है, जो हमारी जिम्मेदारी है सरकार के नाते, और जो हमारे जनप्रतिनिधियों से लगातार लोगों की मांग रही है, उसको पूरा करने की दिशा में आज यहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास के जो कार्यक्रम संपन्न हुए, वो 270 करोड़ से अधिक लागत के अब तक हम जब से सरकार बनी है वो काम कराने का काम किए हैं जी। और जो आज यह भी बता दूं मैं आपको, एटा और टूंडला मार्ग, जिसे हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधि गणों की यह मांग रही है, उसके चौड़ीकरण की भी व्यवस्था हम तत्काल करने जा रहे हैं। और थोड़ा नीचे करो भैया, प्रदेश का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है और विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यह प्रमाण है एटा के इस आज लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम में भी। पिछली सरकारों के समय में भेदभाव किया जाता था, लेकिन हमारी सरकार में भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक बात और मैं बता दूं, इस समय विधान परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं, जिसमें चाहे हमारे यहाँ के प्रत्याशी और उत्तर प्रदेश के सभी जो हमारे 10 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं 11 सीटों में, और 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वह सफल होने जा रहे हैं। और मैं निश्चित तौर से आप सबके माध्यम से भी अपील करता हूँ कि भाजपा के प्रत्याशियों को बड़े अंतर से विजयी बना करके और उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में भेजें, क्योंकि केंद्र में राज्यसभा में बहुमत के अभाव में कई काम रुक जाते हैं और प्रदेश में विधान परिषद में बहुमत के अभाव में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं।